नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स आर पर। आईपीएल ऑक्शन में जिस खिलाड़ी की बेइज्जती की गई, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसे गलती बताकर वापस करने की मांग की गई, आज उसी खिलाड़ी का नाम आईपीएल 2024 में उसके प्रदर्शन के चलते सभी के जुबान पर है। यहां तक कि इस खिलाड़ी ने आईपीएल में ऐसा बल्ला घुमाया कि इस खिलाड़ी को गलती कहने वाले भी इसके सामने झुक गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें माफी तक मांगनी पड़ गई। किसे पता था कि खिलाड़ी कोहिनूर निकलेगा, अपनी टीम की ढाल बनेगा, जिसके फैन आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज भी बन गए। जिस लिस्ट में एक मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इस खिलाड़ी की तारीफ खुलेआम की है। आखिर कौन है वो खिलाड़ी और कौन है वो मुख्यमंत्री, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। शायद आपको पता ही चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं शशांक की। वही शशांक सिंह जो इन दिनों आईपीएल में पंजाब के लिए खेल रहे हैं, जिनकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है। सबसे पहले ये नाम तब चर्चाओं में आया था जब मिनी ऑक्शन था आईपीएल का। दूसरी बार ये नाम तब चर्चाओं में आया जब शशांक छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने गुजरात की जनता के बीच गुजरात के खिलाफ उतरे और हारे मैच को जिता डाला और अपनी टीम की लाज बचा ली। शशांक ने 210 के स्ट्राइक रेट से महज 29 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेली और सभी को चौंका दिया। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शशांक के बड़े फैन हो गए हैं, जिनकी तारीफ करते हुए वो बिल्कुल नहीं कतराए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया के जरिए शशांक को लेकर पोस्ट किया और लिखा, भिलाई के रहने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जिस प्रकार से छक्के चौके लगा रहे हैं, प्रशंसनीय है। उनके उज्ज्वल खेल जीवन की कामना करता हूँ। खूब खेलो बेटा, हमारा छत्तीसगढ़ खेल प्रतिभाओं का धनी राज्य है। खेल प्रतिभाओं के उत्साह वर्धन के लिए हम हर स्तर पर प्रयासरत हैं। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री जी भी शशांक के मुरीद हो गए। चूंकि शशांक भी छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो ऐसे में वो पूरे राज्य को गर्व महसूस करा रहे हैं। और किस्सा तो आपको याद ही होगा, आईपीएल का वो ऑक्शन जहां लगातार तेजी से एक के बाद एक खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे थे और उन खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही थी। जैसे ही शशांक का नाम आया, वैसे ही पंजाब किंग्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीद कर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। और खरीदते ही फ्रेंचाइजी को याद आया कि हमें ये शशांक नहीं चाहिए था। दरअसल ऑक्शन में दो शशांक थे, एक बंगाल के शशांक और दूसरे छत्तीसगढ़ के शशांक। पंजाब को बंगाल वाले शशांक चाहिए थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने छत्तीसगढ़ वाले शशांक को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। हालांकि बाद में फ्रेंचाइजी शशांक सिंह को वापस करने की मांग करने लगी, लेकिन ऑक्शन में एक बार बोली लगने के बाद ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए शशांक सिंह पंजाब की टीम में ही रह गए और अब तो वो इस टीम के गब्बर शेर के हीरो भी बन गए हैं। बहरहाल, आपका शशांक सिंह को लेकर क्या कुछ कहना है और इनके प्रदर्शन को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें।